हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज यहाँ पर मैं बाजू की डिज़ाइन बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिया है, बुकरम को दो फोल्ड कर दिया है, ऊपर से एक इंच मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद एक मार्क 3 इंच पर किया है और एक 6 इंच पर किया है। 1 से 3 के बीच यानी कि 1.5 इंच पर एक और मार्क करना है। देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह करना है, यानी कि 1 से लेकर के 3 के बीच में यानी 1.5 इंच पर एक और मार्क करना है। ये जो बुकरम की ऑल टोटल लंबाई जो है तो वो 8.5 के करीब है। उसके बाद देखिए 1 इंच इस तरह से अंदर की तरफ ले लेना है और उसके बाद फिर तिरछे से इन निशान को मिला देना है। अब देखिए इस निशान को इस तरह तिरछा से मिला देना है। ये बंद वाला साइड है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरह से शेप आएगा इसका। अब देखिए कपड़ा लेना है, उसके ऊपर पहले मैं इस तरह रख दे रही हूँ, पहले मैं इसका नाप ही दिखा दे रही हूँ। इसको 8 इंच के करीब रखना है। तो ये एक्स्ट्रा बुकरम को मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद इस तरह से कपड़े के ऊपर इसको रख करके किनारे से सिलाई कर देना है। बुकरम को पहले अटैच कर देना है कपड़े में, इसके बाद इस तरह से किनारे की भी सिलाई कर देना है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक इंच जो है तो बाहीं में भी एक्स्ट्रा छोड़ दिया है ऊपर की तरफ। उसके बाद इसको इस तरह से रख करके पहले अटैच कर देना है बुकरम और कपड़े को। ये जो है तो बाहीं का सीधा वाला साइड है और जहाँ पर बुकरम है उसके किनारे में सिलाई इस तरह से करते जाना है। इस तरह पूरे में सिलाई कर देना है। कर देने के बाद इस तरह से कट लगा देना है। धागे को बचाते हुए इस तरह से कपड़े को काट करके निकाल देना है और चारों तरफ से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। धागा जो है तो सिलाई वो कटने ना पाए। उसके बाद इसको अंदर की तरफ उल्टे साइड में इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर देना है तो यहाँ पर एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट की सिलाई लगा देना है बुकरम के ऊपर। इस तरह से किनारे में पॉइंट की सिलाई लगा देना है। इस तरह से किनारे सिल देने के बाद आप अपने पसंद का कोई भी बटन इसमें लगा सकते हैं। बटन लगा देने से ये और खूबसूरत दिखेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद किनारे से इसको मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा करके रखा है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके सिलाई कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर बटन भी लगा दिए हैं। स्लीव्स का डिज़ाइन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।